सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है। जब सोमवार की अष्टमी पर जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगत जननी आदिशक्ति को देती हैं। आदिशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए, और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली स्थान पर बेलपत्र रख दे। जी हाँ साथियों, अशोक सुंदरी का स्थान आपको वीडियो में बताया जा रहा है कि जो बीच में ये मोटी सी लाइन होती है, अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर आप 31 बेलपत्र रख दीजिए, अपनी कामना करते हुए झोली पसारते हुए आपका नाम व गोत्र बोल दीजिए और माता से विनती करिए कि माता मेरा ये काम है, प्रभु मेरा ये काम है, भोले बाबा मेरा ये काम है, नहीं हो रहा, बहुत दिनों से अटका हुआ है, इसे आप पूर्ण करें। यकीन मानिए अगली सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक आपका कार्य जरूर और जरूर पूरा हो चुका होगा, इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन, ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना, तो पूर्ण करना, पूर्ण भरोसा मतलब
छोड़ दिया पूर्ण भरोसा, मतलब शंकर सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए महाराज, 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आदि शक्ति, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर जो शिव का मंत्र हो आपके पास में उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे उसमें थोड़ा जल बचे तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा।